पहुंचो सर। बढ़िया। पीपीटी कहे का पीपीटी, न मेरे में कोई पावर है ना कोई पॉइंट, क्या बताऊंगा मैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सब में विद्यमान वैद्यत्व को प्रणाम करता हूं, और पूना के प्रत्येक चाय वाले को प्रणाम करता हूं। न मालूम कौन कब प्राइम मिनिस्टर हो जाए, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं वहां के चाय वालों को प्रणाम जरूर करता हूं। बाकी भाई भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो ही आशुबुद्धि प्रवर्तते, इसलिए खाने के बाद के जो रस के कारण थोड़ा हुआ हो डोजिंग तो वो जरा दूर हो जाए, इसलिए ऐसी बातें की। वैसे सच बताऊं तो मेरे पास कोई खास ऐसी बात कहने वाली है भी नहीं। जब मेरे पूर्व स्पीकर मेहता साहब को सुन रहा था और मेरे हृदय में चीरे पड़ रहे थे, मैं बोला अरे बाप रे इतना सॉलिड है तो एकदम देसी घी के लड्डू पिरसे परोसे, तो यूं समझो मेरी तो चटनी है, थोड़ी थोड़ी चाटते रहे बीतते टेस्ट बदलता रहता है ना, अच्छा रहेगा। अब प्राण संकट में आयुर्वेद, ये मैंने अपने आप बनाया हुआ शब्द है प्राण संकट। शास्त्रों ने अभी तक मैंने खोजा तो मिला नहीं, लेकिन वो जो प्रत्यक्ष तो ही दृष्टम है वो मैंने पहले देखा, ट्राई किया, पेशेंट देखे, उसको ठीक किया, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करके ये बना दिया है। मैं आप सबके साथ कार्डियोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। अब हुआ ऐसा है कि कार्डियोलॉजी में मैं, अच्छा वो मेरा नाम जोकर्स देखा था, नहीं नहीं हाँ आपको तो देखा ही होगा, मैं बच्चों को पूछ रहा हूं। मेरा नाम जोकर में ऐसा हुआ था कि वो रशियन आर्टिस्ट सब उसका सम्मान कर रहे थे, तो वो राज कपूर को किसी ने धक्का मारा और वो रशियन आर्टिस्ट के जमेले में घुस गया, तो उसका भी सम्मान हो गया और उसको वो भी अंदर सर्कस में चला गया, और वो उसको तो कुछ आता था तो नहीं तो सर्कस का, लेकिन अंदर रहते रहते फिर वो भी लास्ट में जीना यहां मरना यहां तक पहुंच गया। बस यही हालत मेरी भी हुई थी। एमडी में मैंने जाके साहब को बोला, मेरे गाइड को, मुझे तो प्रतिष्ठाई और विचार जी का पर काम करना है, तो खफा हो गए मुझसे, इतने सारे मार खाए तो क्या विचार जी पर काम करने के लिए आए, हार्ट में काम करो। मैं बोला साहब क्या बात करते, हार्ट में मैं क्या काम करूंगा, अगर किसी को दर्द हो रहा है छाती में तो वो रिक्शा वाला ही सीधा ससुर में ले जाएगा, मेरे पास वैद्य के पास आता कौन है। तो साहब बोले हार्ट में नहीं कर रहे तो मैं कैंसर में करो। अरे बापरे, मैं बोला आप तो उल में से चूल में डाल रहे हो, हार्ट में भी नहीं कैंसर में भी, ये दो मेरे को नहीं करना काम। वैसे भी पापा की सब प्रैक्टिस चालू थी, उस पर बैठना था, पापा ने बोला कि जल्द प्रैक्टिस कर, तो मैं गया था बड़ा अनुसंधान करने, इरक्का खोजने, फिर वहां जाके ये कैंसर और हार्ट आया, तो मैंने बोला मैं नहीं करता। फिर मेरे एक सीनियर को भेजा, उसको समझाया उसने मेरे को, तब जाके मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो फंसे। उस आदमी को आज से 35 साल पहले कैसे पता चला होगा कि मेरी पूरी जिंदगी हार्ट डिजीज और कैंसर के पेशेंट को ठीक करने में जाने वाली। वो सदगुरु होते प्रोफेसर गुरदीप सिंह, उन्होंने मुझे यह हार्ट, मैं सच बताता हूं, मैंने जो आसव डिजाइन किया था एमडी में
वो जितने पेशेंट को दिया था सब रथ शूल के पेशेंट थे, सबको देने के बाद पूछा भाई कैसा लग रहा है, हाँ साहब पखाना बहुत अच्छा आता है। अरे तेरी तो ऐसी हालत में मैंने शुरू की प्रैक्टिस, हार्ट के पेशेंट का पखाना साफ करता था, सैनिटरी फिजिशियन हो गया। लेकिन उस सदगुरु की कोई फोरसाइट दूरंदेशिता होगी कि मैंने शुरू किया हार्ट में और बहुत मुश्किल पड़ी, पहला ही था गुजरात में और कोई हृदरोग पर काम करने वाला था ही नहीं। पहले 2-3 साल तो मेरे को स्कूल्स में जाना पड़ा और लेक्चर्स दिए कि भाई हार्ट में काम करता हूँ, खुद मेरे को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन जाके बोलना पड़ता था ना, पापी पेट का सवाल था। तो ऐसा करते 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 देखो कैसे कैसे मौके बनते हैं, सब याद आ रहा है तो बता रहा हूँ। मैं जिस फ्लोर पर काम करता हूँ ना उसी फ्लोर पर एक कमर्शियल नर्सिंग होम था जिसमें जिसके पास अपना नर्सिंग होम न हो वो अपने पेशेंट को उधर दाखिल करते। तो उस नर्सिंग होम की एक लेडी नर्स, वो हर रोज ड्यूटी चेंज होती है अलग अलग शिफ्ट में, तो उसके कारण उसको पेट गड़बड़ रहती थी। तो एक बार वो मेरे पास आके बोली, डॉक्टर साहब कुछ पेट का दो ना, बहुत गैस होता है, बहुत एसिडिटी होता है ये। तो मैंने बोला ये चित्रकारी ले ले, दिखा दी शीशी, जब भी गड़बड़ हो तो ये शीशी में से 2 गोली लेना। उससे ही उसको इतना फायदा हुआ तो आके मुझे बोला कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट लिखा है, आप अपने पेशेंट क्यों दाखिल नहीं करते, हमारे यहाँ तो ICCU है। मैंने बोला एक भाई ये तो आयुर्वेद का मामला है, उसमें काढ़े वाड़े होते हैं, हींग वींग होती है, तेरा पूरा वार्ड हींग वाला हो जाएगा तो दूसरे पेशेंट नहीं आएंगे। तो वो बोली कि नहीं 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 मैं बात करती हूँ। तो उसने डायरेक्टर से बात की, तो डायरेक्टर तो एक बिल्डर था, उसको क्या हर्जा था, उसको तो पैसे से ही लेना देना था। तो मुझे बोला कि हाँ आप अपने पेशेंट दाखिल करो, अब जिम्मा मेरा आ गया है, अब दाखिल करके भी क्या करूंगा मैं। फिर रात दिन सोच साच के वो पूरी एक प्रोटोकॉल बनाई कि कैसे पेशेंट को दाखिल करके क्या करेंगे, सब उपक्रम तय किए, सब बना के। अब वो नर्स का एक लवर था MBBS, वो दोनों ने तय किया कि नहीं ये वैद्यराज जी को सपोर्ट करना है। अब देखो कहाँ कहाँ से मदद मिलती है वैद्य को, ये 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 वैद्य का ही तो विशेषता है, आयुर्वेद की ही तो खासियत है, अगर उसको पकड़ के बैठो तो आपके सब रास्ते बिल्कुल खुलते जाते हैं। और कैसे छोटे छोटे लोग आपको मदद कर लेते। वो चंपा और अनिल आज भी मेरे को नाम याद है। तो उस वक्त फिर मैंने AMI एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किया और सदगुरु की कृपा से आप लोगों को, मुझे भी आज ताजुब हो रहा था, आप लोगों को भी तो होगा ही होगा, 250 पेशेंट मैंने 10 साल में, मेरी प्रैक्टिस के 10 साल में 250 पेशेंट मैंने थ्रोम्बोलाइज किए आयुर्वेद से। और उसमें अच्छा बड़ी रकम में 250 ज्यादा होते तालियां देने लगे, चलो अच्छा ही हुआ। और 3-4 को तो मैंने घर पर किया, घर पर थ्रोम्बोलाइज करना एक्यूट, ये एम्बुलेंस आने के पहले कोई अंग्रेज कुछ नहीं कर सकता, मैंने उन लोगों को ठीक किया। तो उसको मैंने
कैसे ठीक किया वो सब मैं आपको सब शेयर करता हूं। फिर मैं जो भी मैंने किया उसका फिर थियोरिटिकल वर्जन बनाया, शास्त्र प्रत्यक्ष तो वही अंदर सब शास्त्र से जो पहले प्रत्यक्ष करना है फिर बाद में शास्त्र में निकाल लेना है, मैंने उसका ये अर्थ निकाला, निकल गया रादर। मैं जिस किसी के भी पास ये आईसीसीयू का सेटअप अवेलेबल हो आपके शहर में कमर्शियली, वो सभी को मैं कहता हूं कि उनको आयुर्वेद से हृदयों की चिकित्सा करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ठीक नहीं हुआ पेशेंट तो लोग कहेंगे भी वे हार्ट का मामला था, वैद्यराज जी से हुआ उतना किया बेचारा, लेकिन अब हार्ट में तो कहाँ ठीक होता है, और अगर ठीक हो गया तो फिर वो ढोल लगे डुम 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 अखबार वखबार में सब जगह पर छपा दो आयुर्वेद से, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऐसा करो मीन्स चित हुई तो भी पट हुई, चित भी हमारी और पट भी हमारी, ये दो रोग ऐसे एक कैंसर और एक हार्ट, उसी में मैंने काम किया है। कैंसर में अगर फायदा हो गया तो वैद्यराज जी ने कैंसर ठीक किया, कैंसर में फायदा नहीं हुआ वो तो था तो कैंसर, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी तो बहुत सारे हार्ट में आ गए हैं काम, उस जमाने में मुश्किल था AMI थ्रोम्बोलाइज करना, उस जमाने में बहुत मुश्किल था, अंग्रेज को भी पसीने छूट देते। मैं हमेशा मेरी बैग तैयार रखता था, उसमें बृहत्वाद चिंतामणि जवाहर मोरा रस, वसंत कुसुमा का रस, वेदनांतक रस, शाहबंदी हींग, नागरवेल के पान, एक बस्ती का यंत्र, एक बोतल भर के बिस्लेरी पानी, एक छोटा सा खल, बहुत छोटा इतने वाला मैं खरीद के लाया था, और वो बैग आपका एकदम रेडी होना चाहिए। एक बार आपने किसी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने में दवाइयाँ इस्तेमाल की तो उसी रात वापस वो सब 100-100 ग्राम भर देना का, ऐसा बैग हमेशा तैयार रखना है। जो पड़न ओहो जाने मानी दवाइयां हैं, बृहद्वाज चिंतामणि, वसंत कुसुमा कर रस, वेदनांतक रस, जवार मोहरा रस, शाहबंदी हींग बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए शाहबंदी, मेरे उस वक्त वो 7,000 रुपये किलो आती थी। नहीं ये तो कुछ और है, ठीक है तो इस तरह की नागरवेल के 4-5 वो हर रोज बदलने का, फ्रेश होने चाहिए, एक छोटी सी खल, एक बस्ती का यंत्र, एक बिस्लेरी भरी पानी, इतनी बैग आपकी रेडी होनी चाहिए। जब भी पेशेंट का फोन आए, देखो वातिक हृदरोग का, पैतिक हृदरोग का, श्लैष्मिक हृदरोग का, सान्निपातिक हृदरोग का पेशेंट आपके पास आएगा, ये प्राण संकट का पेशेंट फोन करेगा, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। फोन आएगा, पापा वैद्य जी पापा बोल नहीं रहे, पसीने छूट गए हैं, पूरे शरीर भीग गया है, ठंडे पड़ गए और दर्द होता है छाती में, आप जल्दी आ जाओ। ये AMI या तो प्राण संकट के जो पेशेंट होते हैं वो कभी आपके क्लिनिक में आते नहीं, आपको उसके पास जाना होता है, और उस वक्त फिर आपको कार इस्तेमाल नहीं करनी है, 2-व्हीलर ही इस्तेमाल करने है, क्योंकि कार लेके गए और फिर 2 किलोमीटर दूर कार पार्क करनी पड़ी और फिर दौड़ के गए, आप खुद करो तो उसको क्या ठीक करोगे, इसलिए 2-व्हीलर आपके पास होना चाहिए और दो उसके आंगन तक पहुंच सको, और जैसे ही फोन आए तुरंत उसको फोन पर ही बोल देना है कि पानी गर्म करना शुरू कर दो और एक तिल तेल का बोतल लाके रखो, और वो तिल तेल का बोतल उस पानी में रख देना, मैं आता हूं।
इतनी सूचना देने के बाद अपने बाइक या स्कूटर जो भी है उसको फटाफट भगाओ। वहां पहुंचे, वो 19 मिनट का पूरा प्रोग्राम है, वहां पहुंचे आपने देखा, नाड़ी देखी, गड़बड़ लगी, पूरा शरीर भीग गया है, एकदम ठंडा पड़ गया है। वो साहब ने आज सुबह सिखाया ना, ध्याय तो वैसितेंद्रिय, ऐसा हो गया है बिल्कुल। तो पहले एम्बुलेंस को फोन कर दो, उसको आने में 20-25 मिनट जरूर लगेंगे। इधर आपने पानी गर्म किया है, वो पहले उसके सब कपड़े निकालो और हींग लेके पूरे कोष्ठ ऊपर से यहां तक जोर से लपेट दो और थोड़ी हींग दूंटी में दबा दो, नाभि में, और एक चम्मच ब्रहतवात, आधा चम्मच वसत कुसुमा कर और आधा चम्मच वेदनान तक, ये सबको मिला के वो जो छोटा खल है ना उसमें नागरवेल के पान के साथ पीस के लुद्दी बना दो कल्क जैसा, और ये सब करने में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। और ये उसके ओठ के नीचे और फ्लोर ऑफ द माउथ पेंट कर दो, उतना खो जाए फिर आप बस्ती के लिए तैयारी करो। पानी बनाओ, थोड़ा उसमें तेल डालो, नमक डालो और उसको उल्टा, मीन्स उल्टा के उसको ये निरूह, अगर आपके पास दशमूल हो तो उसमें डाल के, उबालना नहीं है, फांट ही बनाना है क्योंकि टाइम नहीं होता है, वो प्राण संकट होता है, उबालने के टाइम निकाला तो बात गई। तो वो उसका फांट बनाना, गच्छान के उसमें तेल और लवण डाल के, गोमूत्र भी रखना। अब मैं तो हुआ क्या, एक बार तो गोमूत्र खत्म हो गई थी मेरी और भूल गया, अब क्या करूं। तो वो लेके गया मैं बाथरूम में, क्या करूं। प्रत्युत्पन्न मतित्वम वो करके, लेकिन पहली 7 मिनट में आप वो बस्ती का नेत्र उसकी गुदा में होना चाहिए, 7 मिनट में ये सब हो जाना चाहिए। 3 मिनट में हींग लपेटना और भरतवाद चिंतामणि को वो पीस के लगा देना, 7 मिनट में बस्ती जानी चाहिए। और बस्ती प्रत्यागम इतना बढ़िया होगा कि पेशेंट बोलेगा भगवान तमारू भला करो, हाश देव तुझा भला करा, ये बोलेगा पेशेंट। अगर नहीं बोलता है तो दोबारा बस्ती करो, लेकिन ये पैरामीटर है, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट। पेशेंट बोले नहीं तब तक ये करना है, और ये इतने में 10 मिनट हो जाएगी, और फिर बाद में इतना हो जाए फिर वो जो तेल, तिल का तेल गरम किया था उसको हमें एक 250 ml का ग्लास किसी भी तरह पेशेंट को पिला देना है। ये किया तो आपने जंग जीत लिया, पहले आधे घंटे में ही MI के पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा सकती है, बाकी फिर हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस में सब नाटक होता है, डराने वाले, कुछ नहीं कर सकते। एक बार रथ भेद हो गया, भेदान मरण मच्छति, वो भाग मर गया, फिर उसका कुछ नहीं होना है, फिर उसको बाकी के जो भी स्रोतस है उसकी संभाल रखनी होती, हृदय का कुछ नहीं हो सकता। हृदय का जो भी बचाना है, हृदय का व्रत भेद होना रोकना है,
तो वो प्राण को बाहर निकलने से बचाना है, वापस स्रोतस में शरीर में डाल देना है, प्राणाभिसरण करना है, तो ये पहले आधे घंटे में ही हो सकता है। जब वो निरुपस्थम जिसमें संप्राप्ति पूरी बनी ही नहीं है अभी, उसके पहले ही वो सब वायु और प्राण को ठीक करना है। ये संप्राप्ति बनने के पहले की ट्रीटमेंट है, इसलिए शास्त्रकारों ने तो कहीं लिखी नहीं। मैंने ये इस तरह से किया, अब इतना करोगे इतने में वो 19 से 20 मिनट हो जाएगी, तब तक में एम्बुलेंस आ जाएगी। अब एम्बुलेंस आ गई, अब उसमें आपको पेशेंट को धीरे से शिफ्ट करना है, अब ऑर्डर हॉस्पिटल में देना है कि पेशेंट आ रहा है, उसके लिए इतनी इतनी तैयारी रखनी है। वो तो आईसीसीयू वाले बहुत ट्रेंड होते हैं, अपने पेशेंट को वहाँ दाखिल करना है, वो होल्टर लगा देना है, ईसीजी वीसीजी जो भी उस जमाने में मेरे यहाँ जो चलता था वो सब कर लेते हैं, टीपी बीआरपी वो सर्व करते हैं, और वहाँ जाके फिर बृहत्वात और वेदनान तक हर दो घंटे देना है। अब वहाँ पाउडर रखना है घर में, यहाँ गोली देना है, तीन गोली वेदनान तक और तीन गोली वेदनान तक। तो उस वक्त आसफा का आता था, अभी वो बंद हो गया है, मुल्तानी का चालू है, मुल्तानी फार्मेसी है ना दिल्ली की, यहाँ कोई बनाता है वेदनान तक भी बनाता? हाँ, आहिपेन वाला है। आपकी पहुंच हो या कोई कांटेक्ट हो तो आपके पास आहिपेन होना चाहिए, नहीं तो ये मुल्तानी फार्मेसी रसराज रस बनाती है और आहिपेन वाला भी एक योग बनाती है वेदनान तक, उसका इस्तेमाल करना है। वो तीन तीन गोली सुबह हर दो घंटे पे देना है। अर्जुना रिष्ट और दशमुला रिष्ट 50-50 ml, 100 ml पूरा एक ग्लास भर के नीट तीन बार पिलाना है, पानी नहीं डालना है, हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है। 2 चम्मच अश्वगंधा रिष्ट समान मात्रा में पानी मिला के खाना खाने के बाद, अरे साला इससे तो मत पिलाओ ये अच्छा है, एक तो 2 चम्मच उसमें वो पानी डाला और फिर खाने के ऊपर दिया। वो आसव हमेशा खाने के पहले लेते हैं और कम से कम 50 ml लेते हैं और नीट लेते हैं, तब जाके वो जो शास्त्र ने लिखे हैं ना रिजल्ट, वो शास्त्र में फलादेश वो सब दिखने को मिलता है। शाम खाना खाने के बाद पीने से कुछ नहीं होता। तो ये पेशेंट को ये चालू करना है, फिर पूरे इन्वेस्टिगेशन सब नाड़ी का, अग्नि का, बल का, वो सब इन्वेस्टिगेशन लिख के देना है, वो जो CPK है, वो TPT, LFT, RFT, वो सब CBC उसके हिसाब से वो सब चलाना है, और पेशेंट का कांस्टेंट वॉच रखना है। 3 दिन लगते हैं सेटल होने में, और 3 दिन में और पेशेंट के रिलेटिव को भी बोल देना है, 72 कलाक की 72 आवर्स है क्रिटिकल, भगवान का नाम लो, मैं कोशिश करता हूँ। अब जब दाखिल हो जाता है पेशेंट, उसके बाद में उसका लंगन, थोड़ा लघु भोजन, वो सब चालू कराते हैं, और 3 दिन तक ये प्रोसीजर करना है। एक हेम जल करके गोल्ड वाटर, सोने का पानी, रस तरंगिणी का पाठ है, स्वर्ण तरंग में उसका विधि कैसे बनाना है वो मेरे फैमिली में चलता आया है, इसलिए मैं वो बना के वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हर 2 घंटे 5-5 ड्रॉप्स वो भी देता था, और ऐसा करके 3 दिन में पेशेंट को एकदम सेटल कर देता था। उसका नाड़ी, उसका ब्लड प्रेशर, उसका ECG, हॉल्टर, वो सब लाइन में आ जाते हैं। इतना हो गया, फिर बृहत्वात और वेदनान तक बंद करना है, जवाहर मोहरा, चतुर्षष्टी पिपली और खमीरे गांव जमांबरी, ये हमदर्द की है, वो मेरे गुरु ने मुझे बताई थी, और वो अच्छा काम करती, सौमनस्य जनन मन
वो हृदय में जो मन का रोल है ना, चेतना का, उसको बहुत अच्छी तरह से वो हैंडल करती। तो वो तीसरे दिन से जवार मोहरा, चतुर्षष्टि पिपली और खमीरे गाँव जमांबरी, वो दो बार दिन में देके वो चालू करना है, दशमूला रिष्ट चालू रखना है, और काढ़े जो भी आप पसंद करते हो। मेरे लिए चार काढ़े जाने माने हैं, जो मंजिष्ठादि, रासनादि, देवदैरवादि और दशमूल, ये चार को मिक्स करके मैं मेरे सब पेशेंट्स को देता हूँ। मेरे को वो अंशांश करके अलग अलग देने की ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, और सब इमरजेंसी में सब इकट्ठा करके ही देना पड़ता है। यद्वा कद्वा भविष्यति बोलते हैं ना। तो ये क्वाथ सुबह शाम चालू करना है। डाइट में घी, तेल, चीनी, गुड़, चना और चावल इतना बंद करना है। सुबह और शाम एक एक बार चाय और दो बिस्किट, सुबह तीन रोटी, एक कटोरी दाल, दो कटोरी सब्जी, एक कटोरी दही और एक कटोरी सलाद, इतना सुबह, उसी तरह से उतना शाम को, ये खिलाना है। तीन दिन ये खिलाने के बाद एक बार, एक दिन सिर्फ फ्रूट खिलाना है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दो केले, दोपहर दो सफेद सेब और शाम को दो चीकू, ये हर तीन दिन में एक दिन फ्रूट, लघु आहार, अतर्पण, ऐसा करके। और फिर बाद में फिर गुगलू है, शिलाजीत है, जो भी फिर नाटक करना वो सब ऐड करना है। पहले तीन दिन और वो आधा घंटा, इतने में वो पेशेंट सेटल हो जाता है। और मज़ेदार बात ये है, ये अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि ये होता कैसे है। अंग्रेज एलोपैथी के पेशेंट्स को एलोपैथी का डॉक्टर थ्रोम्बोलाइज करता है, तो उसमें न होने के, कॉम्प्लिकेशंस होने के, शॉक में जाने के, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस इवेंट्स होती ही रहती है। वो उसको रात रात भर जगाता है, भागा दौड़ी कराता है। अगर हमने ये बस्ती दे के हींग से ये बृहत्वात और ये उपक्रम किया ना, तो मैंने जितने भी पेशेंट, 250 पेशेंट किए, उसमें से 5 या 7 पेशेंट ही ऐसे थे जिन्होंने मुझे रात को जगाया था, बाकी सब अपने आप ठीक हुए। अब ये मैं भी नहीं, मेरे अंग्रेज डॉक्टर भी समझ में नहीं आ रहे थे। और 250 में सिर्फ 3 पेशेंट को मुझे बुलाना पड़ा था अंग्रेज डॉक्टर को कि भाई इसका संभाल, क्योंकि एक में मैं खुद बीमार था और दूसरे दो में मैं आउट ऑफ स्टेशन था। ये 3 के लिए मुझे अंग्रेज डॉक्टर को बुलाना पड़ा था, और ये 250 में से 30-35 फेल गया थे, जो मर गए थे पेशेंट, बाकी इतने सारे आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हुए थे, थ्रोम्बोलाइज हो जाते थे। उस जमाने में, मेरे जमाने में, वो अंग्रेज डॉक्टर एक पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने का 60,000 लेता था, अपन 35 में कर लेते थे। वो अंग्रेज 60,000 देता था, उसमें उसको 8,000 मिलते थे, अपना तो मार्जिन हम सब जानते हैं, पोटक्कल वालों को पता नहीं होगा। पैंतीस हजार में 8,000 की दवाई लगती थी मेरी, अब सोच लो, पेशेंट को भी फायदा, नर्सिंग होम को भी फायदा, मुझे भी फायदा, बृहत्वाद बनाने वाले को भी फायदा, मुल्तानी को फायदा, तो ऐसा क्यों ना करें। ऐसा करते करते मैंने कम से कम 10 साल न सुबह देखी, न शाम देखी, न रात देखी, न मैरिज, न कोई फंक्शन, कुछ नहीं अटेंड किया। 10 साल तक बस यही काम किया, और बहुत ज़बरदस्त पैसा भी मिला और नाम भी हो गया।
अब 10 साल में हुआ क्या कि वो जो बिल्डर था जिसका ये कमर्शियल नर्सिंग होम था, उसने उसको बेच दिया। अब अपनी तो जमी जमाई प्रैक्टिस, लेकिन तब तक मैं भी जरा प्रोफेशनल हो गया था, ताकत वाला। फिर सोचा कि अब अपना ICCU बनाए तो साला बहुत खर्चा होगा उसमें, तो ये तो अपने बस की बात नहीं। तो 3-4 साल फिर ये AMI छोड़ के MI को ठीक करना रखा, ISD को ठीक करना रखा गया, CAD को ठीक किया, कॉर्नरी ब्लड, उसमें भी सही में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कॉर्नरी ब्लॉक तो दूर नहीं होते, लेकिन कोलेटरल्स इतनी ताज्जुबी से बढ़ते हैं। 6 महीने या 8 महीने के बाद आप रिपीट एंजियोग्राफी करो तो वो जिसने की है वो तो ताज्जुबी हो जाता है। और वाकई ये करने लायक चीज है। और कर्त करने में यही है, जवार मोहरा चतुष्टि पिपली और कमीरे गाँव जमंबरी, बाकी फिर आगे पीछे जो चलाना हो, चित्रकारी, तकरारिष्ट, आई पेन। अब यह तो सब आप सब लोगों को अच्छा आता है। वातपित कब को देखना है, वातपित कब को समदोष करना है, धातुओं को देखना है, उसको समधातु करनी, और स्वस्थ बनाए रखना है। स्वस्थ हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो थ्रोम्बोलाइज करता हो उसको स्वस्थ बनाने में कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होती। मेरा उस वक्त का स्टाइल आज भी वही है, लेकिन आज थोड़ा शॉर्ट हो गया। उस वक्त में कागज लेके बैठता तो पेशेंट जो भी बोले उसमें VPK करता हूँ, वो जो बोलता है उसमें मुझे वायु लगे तो उसमें टिक करता हूँ, पित्त लगे तो उसमें टिक करता हूँ, कफ लगे तो उसमें टिक करता हूँ। पूरी हिस्ट्री में मैं नोट सिर्फ VPK ही करता हूँ। उसको खांसी आ रही है या उसको वक्षप प्रदेश में शूल है, ऐसा कुछ नहीं लिखने का। वक्षप प्रदेश में शूल वी में एक टिक करना है, खांसी पी में टिक करना है, बलगम के में टिक करना है, कब्जी वी में टिक करना है, अम्लोदगार पी में टिक करना है, गैस वी में टिक करना है, रजशूल फिर वी में टिक करना है। बस ऐसा कर लो, सब कुछ पूछ पाछ के पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाए, फिर टोटल करो। वायु के 15 आए, पित्त के 5 आए, कफ के 10 आए, टोटल हुए 30। उसको 3 से डिवाइड करो तो क्या आया, 10। तो 10 उसका समदोष स्कोर हो गया। उस पेशेंट का समदोष स्कोर क्या है, 10। तो वो समदोष कैसे करना है, कफ तो 10 है उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, वायु में 5 जोड़ना है, पित्त में से 5 कम करना है। अब उसके लिए क्या दोगे, वायु के लिए अजमोदादी, पित्त के लिए सूत्रशेखर, कफ के लिए सीतोपलादी, वायु के लिए विषमुष्टि, पित्त के लिए कुटकी, कफ के लिए बल्ला तक। आप अपने भी सब बना सकते हो, उसमें कौन से वात पित्त कफ घुमा फिरा के 3 ही तो दोष है। गलती हो गई तो कितनी बार, 3 थी या 9 81 बार होगी, 100 बार में तो आ ही जाएगा कि किसको कहां कैसे सेट करना है। तो कितना इजी है। फिर नाड़ी, नाड़ी से धातु देख लेता हूं कौन सी धातु है, और उस धातु से हिसाब से उसकी दवाई। आपके यहां तो वो पाचक भी हैं, मेरे यहां तो पाचक भी नहीं थे, मैंने बनाए मेरी प्रैक्टिस के लिए। अब मैं धातु को भी 2 गोली 2 बार, रस धातु की 2 गोली 2 बार, मांस धातु की 2 गोली 2 बार, तो मेरा सम धातु भी हो जाता है। सम मल के तो हम मास्टर हैं, पेट साफ करना, पेशाब लाना, परसे तो बिल देने से ही आ जाता है। तो ये 3 तो समदोष, समाग्निश्च, समधातु, समक्रिया, इतना आप कर देते हो तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन तो हो ही जाता है।
सुश्रुत भी खुश, और अगर आप समदोष समाग्नि समधातु मलक क्रिया करते हो ना, तो एक इंडियन पेशेंट के लिए बहुत है। वो तुरंत कहेगा साहब आपकी दवा लागू पड़ गई है, जबकि पैथोलॉजी वहीं की वहीं होगी। साहब आज सुबह ही बोल रहे थे मेहता साहब कि ठीक नहीं होगा फिर भी आपको छोड़ेगा नहीं, पैथोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं पेशेंट, क्योंकि एक पेशेंट एक एवरेज इंडियन को भूख लगे, नींद आ जाए, सुबह पाखाना हो जाए साफ और सेंस ऑफ वेल बीइंग बन जाए, तो वह समझता है कि दवाई लागू पड़ गई। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसी हवा पैदा कर रखी है कि आयुर्वेद की दवाइयां तो धीरे धीरे काम करती तो पेशेंट को पता है कि हमको तो धीरे धीरे ही ठीक होना है, तो हमको कौन सी जल्दी होती, हम भी आराम से ठीक करते हैं। साहब ये फैसिलिटी आयुर्वेद में ही है, एलोपैथी के डॉक्टर को तो वो बोलेगा साहब 24 घंटे हो गए उसका बुखार नहीं कम हुआ है, किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना है, और वैद्य जी बोलेंगे 21 दिन तक बुखार ना उतरे तो फरियाद मत करना तो ही ट्रीटमेंट करूं, और बोलते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो आम ज्वर पंचमान ज्वर और पकव ज्वर तक 21 दिन तक ट्रीट करते हैं और ठीक करते हैं पेशेंट और यशोभाजन होते हैं। तो ये फायदा आयुर्वेद में है। एक और पेशेंट को ही है कि भाई धीरे धीरे ठीक होगा, तो फिर जिस दवाइयों से ठीक होना है उसको 5वें महीने में ही दे, पहले 4 महीने तो पहले 4 महीने समदोष करिए समधातु करिए, दागू पड़ गई है दवाई, तेल का डब्बा आ जाए घर में, गेहूं का बोरा आ जाए, फिर एक्चुअल दवा चालू करना, 1 महीने में ठीक कर देना। पेशेंट को ठीक हो जाके देखो मैंने बोला था ना 6 महीने लगेंगे, पेशेंट भी बोला हाँ आपने अच्छी परहेज की तो 6 महीने में ठीक हो गया। जैसे अब देखो हमारे पास कितनी फैसिलिटी है ये मैं बता रहा हूं। दोबारा आ गया तो या तो बैंगन में फंसाने का, या भिंडी में, या टमाटर में, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही वो। यही तो गलती कर दी आप। कितनी सहूलियत है, कितनी फैसिलिटी है। एक पेशेंट नहीं पूछता कि आप बृहतवाद दे रहे हैं, नागबूटी दे रहे हैं, पिपली मूल दे रहे हैं, 1500-1700 की दवाई दे रहे हैं, और वो 2 रुपये किलो का बैंगन वो आपकी दवाई का सत्यानाश करता, ऐसा कोई पूछता भी नहीं। अपने आप को कोसता है, अरे यार कहाँ बैंगन खा लिया, वो बगल में बीबी होगी तो वो भी सोचेगी अरे मुझे कहाँ सूझा बैंगन खरीदने का। तो ये सहूलियत है आयुर्वेद में। एक और सहूलियत बताऊं, वैसे बात थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन आप मूड में हैं तो बता देता हूं। पेशेंट अगर स्कूटर पर आया है और उसको प्रतिशय है तो गर्म पानी और हल्दी से ठीक होगा। पेशेंट अगर बाइक में आया है तो सीतोपलादी से ठीक होगा। और पेशेंट आके बोले साहब आपके यहाँ पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है तो सुमन वसंत मालती से ठीक होगा। हर एक डिजीज में ये तीन सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस वाइज ट्रीटमेंट बदलती। साला बुखार इन्फेक्शन हुआ है, मिल मालिक को इन्फेक्शन होता है या भिखारी को इन्फेक्शन होता है,
एंटीबायोटिक 500 mg बीडी फॉर 5 डेज लेनी है तो लेनी ही है, भिखारी हो या मिल मालिक हो, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, जबकि हमारे पास तो है। और अगर आपको आ जाए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना तो सीतोपलादी की टैबलेट को ही सोने का ढोल चढ़ा के दे सकते हो, क्योंकि रिजल्ट तो हल्दी से भी होना है। लेकिन हल्दी वाले को सुवर्ण वसंत मालती दी तो वो बेचारा फंस जाएगा, और जिसको सुवर्ण वसंत मालती देनी उसको हल्दी दे दी तो वो दोबारा नहीं आएगा। ये चीज है। तो इस तरह से मैंने हृदरोग के बहुत सारे पेशेंट्स को इसी पैटर्न पर ये डाइट और ये दवाइयां इससे ठीक करने की कोशिश की, आज तक कर रहा हूं। वो जो थ्रोम्बोलाइज करता था वो तो बंद हो गया, और फिर मेरी नई हॉस्पिटल तो नहीं बन पाती थी, क्योंकि ICCU बनाने में तो बहुत खर्चा लगता है, मेंटेनेंस भी बहुत होता है, सब नर्सिस के स्टाफ और वो सब झंझट वाली बात है, अपने से वो तो होता नहीं। उसी वक्त सदगुरु ने बोला चलो अब कैंसर में काम करो। तो देखो ये कितना फायदा है आयुर्वेद में अगर पकड़े बैठे हो। सदगुरु का फायदा आयुर्वेद में ही है, एलोपैथी में सदगुरु नहीं होते, हैरिसन वाले कोई नहीं बुलाते, चरक के जो भी फॉलोअर होते हैं वो बहुत फील करते हैं कि ये वैद्य है बेचारा परेशानी में, चलो उसको कहीं सदगुरु ने बुला लिया, तब से आज तक कैंसर में काम कर रहा हूं। और उसमें भी इमरजेंसी ही हैंडल करना पड़ती मेरे को, क्योंकि मेरे सदगुरु तो बहुत उम्र वाले हैं, भागदौड़ी मेरे को ही करनी होती। और कैंसर की भी हर प्रकार की कैजुअलिटी को हैंडल करते करते अभी कल दोपहर को 2 बजे उठा ओपीडी में से, तब लास्ट पेशेंट देखा था कैंसर का, वो 36,347 था, इतने सारे को देख चुका हूं। जब ज्वाइन किया था सदगुरु को तब 9,000 वाली सीरीज चलती थी, अभी 36,000 वाली सीरीज चल रही, पागल की तरह काम किया है। आप पूछो CA एसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा अपर थर्ड, उसके 1200-1500 पेशेंट मेरे पास होंगे। आप बोलो CA एसोफेगस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लोअर थर्ड, उसके भी 1200-1500 पेशेंट। को भरोसा ना बैठे किसी को अगर मैं कहूँ मेरे पास 36,000 है, वो तो जो आए और देखे उसको ही मालूम पड़ता है। बहुत स्पेशल वैद्य हूँ इस मामले में, सही में। अब प्राण संकट, ये जो AMI है वो कुछ लोगों ने उसको कृमिज हृदरोग, एक आध शूल का लक्षण है उसके साथ जोड़ के कृमिज हृदरोग बोला, लेकिन वो मेरे को जचा नहीं था, क्योंकि जिन्होंने भी कृमिज हृदरोग बोला होगा उन्होंने कभी AMI को ट्रीट करने की कोशिश नहीं की होगी, वरना वो न कहते उसको। मैंने तो किया ठीक करने की कोशिश की, ठीक हुए भी, इसलिए फिर मुझे सोचने मगर मजबूर हो गया कि भाई उसका कृमिज हृदरोग नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा सोचा और फिर थोड़ी थियरी बनाई, वो थियरी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बस इतना ही मेरे पास है आज का मसाला। तो प्राण है ना, प्राण क्या है? विलन है क्या? प्राण वो चीज है जो 1 मिनट में 14 बार शरीर के बाहर जाती है और फिर वापस आती, वो प्राण है। मैं यहां खड़ा हूं, मेरा नाम क्या है? तपन वैद्य। क्यों? क्योंकि मेरा गया हुआ प्राण वापस आता है। ये गया ये आया, ये गया ये आया, ये गया और नहीं आया, वो जिस दिन नहीं आया वो
सफेद चद्दर उड़ लेंगे और बॉडी हो जाऊंगा मैं। बॉडी को ले गए कि नहीं? बॉडी को कितनी देर लगेगी? फिर बॉडी हो जाता हूं, तपन नहीं रहता हूं। वो जिसके कारण मैं तपन तपन हूं, जिसके कारण वैभव वैभव है, जिसके कारण स्वप्निल स्वप्निल है, जिसके कारण अपु किधर हाँ है, वो है, वो प्राण है। और वो प्राण हमारे शरीर का कंपोनेंट नहीं है, वो शरीर में रहने वाला रेजिडेंट है, हमारे शरीर में रहता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, अग्नि है वो अपने शरीर में रहता है, ही इज नॉन, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ अवर बॉडी। आत्मा वो रेजिडेंट है, मन रेजिडेंट है, ये प्राण, ये सब हमारे शरीर में रहते टेनेंट्स हैं, और उनको हमेशा ये शरीर छोड़ने की इच्छा होती है। ये प्राण भी 14 बार शरीर के बाहर जाता है, वापस नहीं आने के लिए ही बाहर जाता है, लेकिन मनुष्य के कर्म उसको खींच के वापस शरीर में ले आते हैं कि भाई तुम्हें इस शरीर में जाके तपन के नाम से हृदरोग के लेक्चर देने बाकी है, इसलिए वापस आ, इसलिए वो वापस आता है। जिस दिन ये कर्म क्षय खत्म हो जाता है, फिर वो छोड़ देता है शरीर को, फिर वो वापस नहीं आता, और हम गते तस्मिन शून्यागार मचेतनम हो जाते हैं। वो प्राण है, और वो प्राण अपने प्राणायतनों में घूमता है। उसका क्या रास्ता कौन सा होता है? नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्ट्वा रतकमलांतरम कंठात बहिर्विनिर्याति पातु विष्णु पदामृतम पित्वा चांबर विष्णु पुनरायाति वेगता पीणेन्दे मकलम जीवन धारम। वैभव मैं भी बोलता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। ये तो धारा प्रवाह बोलते हैं, उनकी तो बराबर ही नहीं हो सकती। तो ये नाभि में आता है, वहाँ स्टेशन करता है, वहाँ अग्नि को प्रीणन करता है, फिर दश ऊर्ध्वग दश अधोग और चार तिर्यक धमनियों में होता हुआ मर्मों में जाता है, अस्थियों में जाता है, और मर्मास्थि संधि में जाके वहाँ सभी उस एरिया के देह परमाणुओं को प्राण देता है। प्राण का काम क्या है? जिसकी उपस्थिति में बॉडी प्यूटरीफाई नहीं होती, पुतित्वम न गच्छति, तत् प्राण आयु का अनिवर्तन करता है। आयु प्रत्येक क्षण में हम जीते हैं, प्रत्येक क्षण में मरते हैं, वो क्षण भंगुरवाद है, लेकिन हमारे मरने और जीने के बीच की जो कड़ी है वो प्राण है, वो हमारे बीच के आयु के अनुवर्तन को मेंटेन करता है। जिस दिन वो मेंटेन नहीं कर पाता है, या जिस एरिया में वो मेंटेन नहीं कर पाता है, वो भाग सड़ के गल जाता है, कोथ हो जाता है, गैंग्रेनाइज्ड हो जाता है। ये प्राण है, और ये प्राण हमेशा अपने प्राणायतनों में ज्यादा रहता है, और प्राणायतन से बाहर निकलता है। कंठ है, शंख है, हृदय है, बस्ती है, गुदा है, शुक्र है, ओज है, और रक्त है, ये सब उसके द्वादश प्राणायतनानि हैं। उसमें से जितने भी ओपन सर्किट वाले हैं, वहीं से वो निकल जाता है। कंठ वो ओपन सर्किट है, निकलता है, गुदा से भी निकल सकता है, शुक्र से भी निकल सकता है, बस्ती से भी निकल सकता है, बस्ती से मुश्किल है, क्लोज सर्किट है। शंख क्लोज सर्किट है, हृदय क्लोज सर्किट है। वहीं से जब निकलने की कोशिश करता है, तब वो मर्मों को पीड़न करते हुए प्राण संकट पैदा करता है उस मर्म का। जब वो शंख से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब अनंतवाद या वो जो तीन दिन में मारने वाला इंद्र और कौन है, शंख का, हाँ, ऐसा शिरोरोग करता है। जब वो हृदय में से निकलने की कोशिश करता है, तब वो प्राण संकट हृदय का पैदा कर देता है, और तस्यैव तस्योपघाताय मूर्छायां भेदान मरणम् उच्यते। अगर उसने भेद कर दिया
तो शोणित प्रसाद जब हृदय में है, वो मांस क्या बना हुआ है, तो वो मांस को मरण भेद करके उसका डेथ कर देता है। लेकिन मर्म पोषक स्रोतांशी से वो आपस में जुड़ भी जाते हैं। हृदयम चेतना स्थान है, वो अपना खुद संकोच विकास स्वतः करता है, उसके पास थोड़ी ऑटोनॉमी है, तो वो मर्म पोषक स्रोतस अपने मर्म अपने स्रोतस को नए बना सकते हैं, और किसी मर्म पोषक स्रोतस की ये खासियत नहीं है। चूंकि सुषुप्त ने ये हृदय चेतना का स्थान है, उसके पास इतनी ऑटोनॉमी है कि वो अपने स्रोतस को खुद बना सकता है। जब वो अपने संकोच विकास को खुद कर सकता है, तत्संकोच विकास स्वतः कुर्यात पुनः पुनः, तो वो अपने स्रोतस को भी खुद बना सकता है, जिसको हम कोलेटरल ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और वो आयुर्वेद में ये एक गलती मेरे से हो गई, मकरध्वज नहीं बोला। मकरध्वज भी इतनी ही इंपॉर्टेंट, जवर मोहरा, मकरध्वज और चतुष्षष्टी पिपली, मुझे माफ कीजिए, ये मकरध्वज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जवाहर मोहरा तो हृदय के लिए है, वो हृदयावरण करता है, हृदयावरणम हृदय रक्षाकरम औषधम, तो वो हृदयावरण करता है। लेकिन मकर ध्वज हम मांस धातु में रक्त धातु को जोर से पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पेनिस में। पेनिस की मांस धातु में रक्त जोर से भगे उसके लिए मकर ध्वज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कि हृदय की मांस धातु में रक्त का संचार कम पड़ जाता हो, उधर अगर मकर ध्वज देते हैं तो वहां भी रक्त संचार बढ़ाएगा। वो भी मांस धातु है, वहां भी रक्त का कमी है, वहीं जोर से रक्त की दे दी, वहां इरेक्शन ठीक होता है, यहां इजेक्शन ठीक होता है। ये करके मैंने मकर ध्वज में, मकर ध्वज को हृदरोग में बहुत इस्तेमाल किया। ये बात भूल गया, ये मेरी गलती है। ये मकर ध्वज और वसंत जवर मोहरा के बगैर मेरी सुबह नहीं होती। कम से कम 3-3 किलो तो इस्तेमाल कर लेता हूं मैं एक साल में। तो ये मकर ध्वज, जवर मोहरा और चतुष्षष्टी, तो ये मांस धातु को वो जब प्राण भेद करने के करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब वो महामर्म को परेशान करता है। उसी तरह से बस्ती में जब करता है तो अश्मरी वाला शूल भयानक, या तो प्रतितुनी और वो परिकर्तिका जैसा शूल पैदा करता है, और वो सभी में वायु सबसे बड़ा शूल है, इसलिए वायु तो होना ही है, और वायु पहले निरुपस्तंभ होता है। वात व्याधि में बोलते हैं आदो निरुपस्तंभ है, तो उसने हसवे दे रूपाचर, तो वो पहले वो नानात्मज होता है, अकेले ही दादागिरी करता है, शूल एकमात्र होता है, फिर बाद में वो मांस धातु से या रक्त धातु से संप्राप्ति बना लेता है और फिर एस्टेब्लिश कर देता है। वो संप्राप्ति बनाए उसके पहले ही उसको जीत लेना है। तो कोई भी शूल का पेशेंट आए, ऐसे आके बोले कि मुझे खाना खाने के बाद शूल होता है, उसमें नहीं, जिसका फोन आए, अरे साहब आधे घंटे से भयंकर पेन हो रहा है कमर में, एकदम वो इधर से घूम के आ रहा है, या छाती में बहुत दर्द हो रहा है और सर दर्द फटा जा रहा है, ऐसा जब पेशेंट फोन पर बोले, उस वक्त उसको निरुपस्तंभ बात समझ के पहले एक ग्लास भर के तिल तेल, दो चुटकी नमक डालवाना और पिला दीजिए, आपके 100 में से 20 पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने हृदरोग के कई पेशेंट की, जिनका सुकुमार होते हैं और फोन पर बोलते हैं छाती में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उसको बोलता मैं तेल पी जा और इमीडिएट ठीक हो जाता है। स्ट्रोक, पक्षघात, अर्दित, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनके फोन आते हैं कि साहब वो लकवा मार गया है बाबा जी को, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको फोन पर ही बोलना है
कि मैं आता हूं, आप एक काम करो, एक ग्लास तिल तेल पिला दो। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक पक्षघात के पेशेंट का फोन आया, मैंने तिल तेल का पिलाने को बोल दिया और फिर ओपीडी में मैं तो बिजी हो गया, विजिट का ही भूल गया। ढाई घंटे बाद याद आया, अरे बाप रे वहां जाना था, वो तो भूल गया। फोन किया कि भाई कैसा है अब, नहीं वो तो मंदिर गए। अरे तेरी तो इतना, इसलिए ये इमरजेंसी में ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं होती, मैं नहीं मानता। लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी बातों को वात रक्त में से निकाल के ऑटो इम्यूनिटी तक ले जाना है, कि वो जो दृष्टि है ना, वो हमें डेवलप करनी चाहिए। वो दृष्टि डेवलप करो तो सभी जगह से आपको ऐसी ट्रिप्स मिलती ही हैं। और ऐसी टिप्स मिले उसके लिए सुनो ना, अभी तो शुरू किया है। टिप्स, ऐसी टिप्स मिले हमको, चरक में दिखे। इतने सारे लोग हम पढ़ते हैं चरक को, क्यों सिर्फ वैभव साहब कोई दिखी? क्योंकि वो दृष्टि उन्होंने बनाई। वो कैसे बनती है वो उनको भी नहीं पता, मुझे पता है। चरक का पारायण करो, मंत्र करो, प्रार्थना करो और सद्गुरु का सानिध्य करो, तो ये दृष्टि डेवलप हो जाती और फिर चरक में से आपको जो चाहिए वो सब मिलता है। सिर्फ ऑर्डर करना, मेनू है पूरा, जो ऑर्डर करो वो तुरंत देता है। तो इस तरह से आप हृदरोग के पेशेंट्स को आराम से ठीक कर सकते हो। हृदरोग की चिकित्सा में कौन हंसता है? घरवाले ही टेंशन में आते हैं। आप लोग इतनी खुशी खुशी हंस हंस के हृदरोग की चिकित्सा सीख रहे हैं, इसका इसका मतलब ये है कि बहुत इजी है। आप सब लोग को मैं इसके लिए खास सलाह देता हूँ, भलामण करता हूँ। आई अपील टू ऑल पीपल दैट यू, और कोई ट्रीटमेंट करो ना करो, हृदरोग और कैंसर की तो ट्रीटमेंट जरूर करना, उससे आपको बढ़िया फायदा होना है और तगड़ी पैसे की और बहुत अच्छा नाम उससे बन जाएगा। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से ऐसे प्रैक्टिस करो और 2032 में जब अन्वेषण हो तब आप में से सब लोग यहाँ इस तरह से AMI के बारे में और ज़्यादा बात करो, ऐसी मेरी शुभकामना आप सब लोगों के साथ है। आप सब लोगों ने सही में मेरे को बड़े प्रेम से सुना और मैं संहिताकारों की आशीर्वाद के कारण बोल पाया, वो सभी के लिए मैं आप सब लोगों को अनुरोध करता हूँ, एक बार जोर से चरक को याद कर लेते हैं। जय चरक, जय चरक, हे चरक, हे चरक। कम पड़ गया, खाना खा के बैठे हो यार। हे चरक, हे चरक, ये हुई ना बात। लव यू ऑल। नो वर्ड्स एट ऑल। एक भागवत सूत्र स्थान में एक श्लोक आता है ओज के लिए, ओजो वृद्धि ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलो दया। हम लोगों ने आहार से शरीर का तर्पण होते हुए सुना है, देखा है और प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या आप लोगों ने शब्दों से अभी आपका तर्पण हुआ ये महसूस किया? आवाज। थैंक यू सो मच सर। आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर मीनल लाड मैम टू प्लीज कंक्लूड द सेशन।
नमस्कार. डिग्निटरीज ऑन द डायस मीन्स तपन जी और डिग्निटरीज ऑफ द डायस. द डायमंड ऑफ टुडेज फंक्शन इज दिस लेक्चर. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स हु आर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू चेयर दिस सेशन. द डिग्निटरी तपन जी हैज डिलीवर्ड अ बेस्ट लेक्चर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स द इमरजेंसी किट फॉर हार्ट और कार्डियक डिसीजेस AMI. मेरा ये सौभाग्य है कि तपन जी के साथ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ और हमेशा सर का जो लिखना होता है ऐसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच से ही रहता है. और सर तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, ये आज आप सबने जाना है कि दिल की बातें उन्होंने दिल से कही है. और ये प्रूव भी किया है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन जो हम सबको चाहिए आज के दिनों में, क्योंकि वी आर द फ्यूचर पेशेंट्स ऑफ मे बी AMI, मे बी स्ट्रोक, मे बी बिकॉज ऑफ द ओवर स्ट्रेस. सर जो आजकल आ गए हैं ना वो मॉडर्न एरा के NABH एंड सो मेनी थिंग्स, पेशेंट का अप्रोच टूवर्ड्स द डॉक्टर्स, ये सब की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ गया है, इसलिए सर का जो थ्रोम्बोलिज्म किट है वो हमेशा पास में रखना. यही मैं आपको ये देती हूँ इस लेक्चर से संदेश. और सर ने जो बताया कि प्राणों का रक्षण और अपान का अनुलोमन, इसलिए तिल तेल हमेशा सर ने प्राइमरी एड में बताया है, ये सबने ध्यान में रखना चाहिए. तिल तेल का इतना अच्छा यूज़ आज ही मुझे पता चला है, तो इसलिए क्योंकि मैं सर के आगे जाकर सर ये कार्डियक मेडिसिन पे कमेंट करना इट्स नॉट माय राइट, और यू कैन से मैं ये मेरा अधिकार ही नहीं है, तो इसीलिए मैं सर को फिर से हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ. 150 पेशेंट आप और ठीक करें और ऐसे ही आपका जो पेशेंट के प्रति सेवा भाव हो वो ऐसा ही रहे और हम पे भी आशीर्वाद रहे, ये बता के मैं रुक जाती हूँ. धन्यवाद. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. सर ने लेक्चर को आने से पहले, मतलब अगर आपने सुबह से नोटिस किया होगा कि हम लोग पहले इंट्रो रखते हैं, उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, सर ने पहले ही बोल दिया अगर इंट्रो किया तो फिर मैं वहीं से भाग जाऊंगा. सो सर अभी हम ये इंट्रो नहीं है सर, हमने आपको सुना, आपको हमें सुनना है. यू हैव टू लाइट्स ऑफ प्लीज, स्टेज पर के लाइट्स ऑफ कीजिए. He did his MD Kai Chikitsa in 1986. He is highly qualified traditional practitioner of Ayurvedic medicine, Panchakarma and Mantra therapy with 80 plus years of theoretical and practical knowledge of an Ayurveda practicing family. He has successfully treating diverse general health problems and specialist in the treatment of gastrointestinal, oncological and cardiovascular disorders. He has proven ability in Panchakarma, spiritual and mantra treatments. With certification to conduct minor and major procedures of Ayurveda. He is pharmaceutical consultant with solid expertise in research and development of natural herb-based healthcare and wellness products for nutritional and cosmetic purposes. He is international lecturer on the treatment of various topics such as the management of diabetes, cancer care, cardiac ailments and stress management using Ayurvedic medicine and yoga philosophy including hypnosis. He is resourceful and research oriented with an affinity for dealing with complicated challenging cases. He is special award winner from Institute of Postgraduate Training and Research. He received Best Practitioner Award Ayurvedic Practice. He worked as research scholar for 3 years at postgraduate level
in cardiac medicine in University of Ayurveda, Gujarat. His selected achievements are Dean, International Academy for Ayurvedic Practitioners, Jamnagar. Trustee, E-mail trust dedicated to the academic activist regarding hospitality industry in lacto-vegan hotels. He is director at Apta Life Care and Health Resorts Private Limited, Divyajot Ayurvedic Research Foundation, International Ayurveda Foundation. He is a founder member of AO, that is Active Ayurvedist Organization. He is life member of National Congress of Ayurveda, Academy for Development and Research in Ayurveda, National Medicinal Plant Study Circle, Research Council, DARF. He is visiting and expert speaker at Nanal Foundation, Pune, Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, Ayurveda Trust, Ahmedabad, Association of Ayurvedic Practitioner, Mumbai, Doordarshan, European Academy of Ayurveda, Mahindra Institute, Germany, Gujarat Cancer Research Society, Ahmedabad, Tathagat Foundation, Pune. He is a visiting faculty at Dardi Narayan Seva Mandir Hospital, Panchakarma Dawakhana, Shri Jagannath Mandir Trust, Amrutarogya Polyclinic, Ahmedabad, DNA Clinic and Beauty Spa, Ahmedabad, CDAC Pune as a Nadi expert, European Academy of Ayurveda, Germany, Middlesex University, London. He teaches Ayurveda in general and cancer in particular to the students coming from all corners of the world. He has attended numerous international workshops and seminars and delivered papers on various topics related to Ayurveda and natural medicine. Working as a cardiologist, witnessed, diagnosed and treated hundreds of patients on Ayurvedic line. Developed and tried a tobacco-free Ayurvedic angina pain relieving puff in routine consulting practice. As a Panchakarma therapist, conducted Ayurvedic detoxification and rejuvenation program for chronic ailments. He is medical director of Divyajot Ayurvedic Research Foundation, that is DARF. His hobbies are philosophy and tantra. Lights please, lights on the stage. एक ताली एक बार और तालियां बजाने का अवसर आपके पास है. आयुर्वेद के क्षेत्र में पहला ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नाम दर्ज हुआ है वो SGVP गुरुकुल के वहाँ पर सर के मार्गदर्शन में 1111 शिरोधारा एक साथ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रीनिज बुक में दर्ज किया गया है. बहुत सारी चीज़ें हैं बताने जैसी, पर ये सबसे बड़ी हमारी अनुभूति भी है. हम लोग उसके साक्षी थे. वी आर द वन ऑफ द पार्ट